नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे क्या आपको बॉडी बिल्डिंग करने के लिए अपने शरीर में मसल बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत है क्या? जवाब है नहीं, आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत सिर्फ एक ही कारण से हो सकती है कि अगर आप अपने खाने से, अपनी डाइट से अपनी प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे तो आपको प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत हो सकती है, वरना और कोई कारण नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर लें। मैं एक हेल्दी आदमी की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को मेडिकल रीज़न से प्रोटीन पाउडर लेना पड़ रहा है, डॉक्टर उसको रिकमेंड कर रहा है, डॉक्टर कह रहा है लेने के लिए, तो बात अलग है। एक नॉर्मल हेल्दी आदमी के लिए जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बनाने के लिए, बॉडी में मसल चढ़ाने के लिए, मसल बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर लेने के बारे में सोचता है, तो उसको प्रोटीन पाउडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इकलौता कारण ये हो सकता है प्रोटीन पाउडर लेने का कि आप अपने खाने से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपने शरीर में। तो प्रोटीन पाउडर का चलन कहाँ से आ गया? जब खाने से प्रोटीन मिल जाए और हमें प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत है, तो बाहर इतना ज़्यादा प्रोटीन 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 की हवा क्यों बनी हुई है? बाहर इतना ज़्यादा लोग प्रोटीन पाउडर लेने के बारे में बात क्यों करते रहते हैं? जिस भी जिम में जाओ वो कहते हैं अरे पाउडर लिया गया, डब्बा खाया गया, क्या ज़रूरत है इन सब की? मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको फिटनेस इंडस्ट्री में इतने सारे वहम क्यों हैं, इतने सारे मिथ क्यों हैं, इसके बारे में बात करी थी। वो वीडियो इस वीडियो के आखिर में मैं लिंक करूँगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। मेन तो फिटनेस इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा जो हवा बनी हुई है कि प्रोटीन पाउडर ले लो, डब्बा ले लो, ये वो ये वो, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि लोगों को कुछ पता नहीं है। लोग सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं, फिर जो सप्लीमेंट की ब्रांड्स होती है वो लोगों के सामने एक गलत इमेज बना देती हैं। जिम के ट्रेनर्स अपने पैसे कमाने के लिए उन्हें झूठ बोल देते हैं। जैसे कई जिम के ट्रेनर्स हो सकते हैं या कई बॉडी बिल्डर्स हो सकते हैं जिन्होंने स्टीरॉइड्स लिए हों, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपने क्लाइंट को बोल देंगे कि भाई ये डंबल खा लो, ये प्रोटीन खाने से मेरी भी बॉडी बन गई है, तुम्हारी बन जाएगी, एक दो साल तीन चार साल मेहनत तो करनी पड़ती है पर ये खा लो। अब वो जो प्रोटीन पाउडर है उस प्रोटीन पाउडर को वो बेचेगा, उसको उससे मुनाफा होएगा, उसमें उसका कुछ कमीशन होएगा, या हो सकता है वो उसकी खुद की ब्रांड हो, या हो सकता है नकली बेच रहा हो, तो नकली में बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। ऐसे ऐसे लोग सुनते हैं, लोगों को पता नहीं होता, वो सुनते हैं अच्छा अच्छा ऐसा करने से हो रहा होगा और वो आगे बात फैलती जाती है। मैं इसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो ज़रूर देखना। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन पाउडर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल दे दो जिससे आपको ये विश्वास हो जाए। काफ़ी पतले लोग होंगे जिम में, जो जाते हैं जिम में कुछ महीने नॉर्मल खाना खाते हुए एक्सरसाइज करते, बॉडी नहीं बनती, मतलब बॉडी मसल नहीं बढ़ती। प्रोटीन पाउडर लेते हैं, खाना उनका वही रहता है, फिर भी नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटीन पाउडर से बॉडी बननी होती तो वो बन जाती। फिर कई लोग हैं जो प्रोटीन पाउडर नहीं लेते, खाने का पूरा ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज ढंग से करते हैं, वो बिना प्रोटीन पाउडर के भी उनकी बॉडी में मसल आने लग जाती है। इन दोनों एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि प्रोटीन पाउडर से बॉडी बन रही है ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर बननी होती तो जो प्रोटीन पाउडर ले रहा है और डाइट का ध्यान नहीं रख रहा उसकी बन जाती, और नहीं बननी होती तो जो खाना अच्छा खा रहा है उसकी कैसे बनी बिना प्रोटीन पाउडर के? ऐसे फिर सवाल आता है कि वेजिटेरियन है, वही वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन के तो खाने में प्रोटीन ही नहीं होता, प्रोटीन कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, इस तरीके की बात है। वेजिटेरियन को अपने खाने से आराम से जितना प्रोटीन चाहिए उतना मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेजिटेरियन को अंडे खाने या नॉनवेज खाने की या प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में और डिटेल में बात करूँगा वेजिटेरियंस के बारे में कि कैसे वो शाकाहारी खाने पे बिना प्रोटीन पाउडर या बिना अंडे या मांस खाए अपनी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ज़बरदस्ती परेशान होकर नहीं। मैं खुद भी एक कट्टर शाकाहारी हूँ तो मैं ये बात कह सकता हूँ। मैं आगे कुछ और ऐसे ही जो कि प्रोटीन पाउडर लेना ज़रूरी है, इसलिए कुछ जो वहम है फिटनेस इंडस्ट्री में उन पे कुछ वीडियोस में बात करूँगा।
बहन दूर होंगे और अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करना, ताकि जैसे गलत बातें वायरल हुई है ऐसे सही बातें भी वायरल हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ये वीडियो शेयर तो ज़रूर करना। मैं आपसे ये वीडियो मिलूंगा।